लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, फाइंड द फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, फाइंड द फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म एंड द कंपोनेंट ऑफ यूनिट नॉर्मल्स, एंड द कंपोनेंट ऑफ यूनिट नॉर्मल्स टू द सरफेस ऑफ स्फीयर, टू द सरफेस ऑफ स्फीयर एक्स वन इज इक्वल टू ए कॉस यू वन कॉस यू टू, एक्स टू इज इक्वल टू ए साइन यू वन कॉस यू टू, एक्स थ्री इज इक्वल टू ए साइन यू टू। ये स्फीयर का इक्वेशन दिया गया है जिसके लिए आपको फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म का मतलब डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू जी अल्फा बीटा डी यू अल्फा डी यू बीटा, तो जी अल्फा बीटा चाहिए होगा, है ना। क्या होता है फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म? डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू जी अल्फा बीटा डी यू अल्फा डी यू बीटा, ठीक, ये चाहिए होता है, ठीक है। और कह रहा है एंड द कंपोनेंट ऑफ यूनिट नॉर्मल एन आई इज इक्वल टू एक्स वन क्रॉस एक्स टू अपॉन मॉड में एक्स वन क्रॉस एक्स टू, है ना, जहाँ एक्स वन का मतलब होता है डेल एक्स आई अपॉन डेल यू वन और एक्स टू का मतलब होता है डेल एक्स आई अपॉन डेल यू टू। तो ये सारी चीज़ हमको निकालनी पड़ेगी तब जा कर के हमारा काम बनेगा, ठीक। लिखिए सल्यूशन में, सल्यूशन में लिखिए, लेट द इक्वेशन ऑफ सरफेस, लेट द इक्वेशन ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर इज, ऑफ स्फीयर इज, ये लिखिए, इसको डालिए इक्वेशन नंबर वन, हो गया। चलिए ब्लैक बोर्ड पे देखिए, आप छोड़ दीजिए, यहाँ देखिए, सबसे पहले नाउ एक्स वन हम निकालने चल रहे हैं। एक्स वन का मतलब होता है डेल एक्स आई अपॉन डेल यू वन, डेल एक्स आई का मतलब डेल एक्स वन अपॉन डेल यू वन, फॉर्मूले में रिमार्क में लिखवाया है डेल एक्स टू अपॉन डेल यू वन डेल एक्स थ्री अपॉन डेल यू वन, यही मतलब होता है, ठीक। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स वन इज इक्वल टू, इसको U1 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, जब U1 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो U2 कांस्टेंट होगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा A cos U1 का माइनस साइन U1, और cos U2 क्या हो जाएगा कांस्टेंट। X2 को U1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो A साइन U1 का cos U2 क्या हो जाएगा कांस्टेंट, इसको U1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो U1 है नहीं, वैल्यू क्या आएगी जीरो, ठीक। एंड X2 का मतलब होता है डेल एक्स आई अपॉन डेल U2, डेल X1 अपॉन डेल U2, डेल X2 अपॉन डेल U2, डेल X3 अपॉन डेल U2। दिस इम्प्लाइज X2 इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट करिए, X1 को U2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो A cos U1 कांस्टेंट, cos U2 का माइनस साइन U2, ठीक। X2 को U2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो A sin U1 कांस्टेंट, cos U2 का माइनस साइन U2, इसको U2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो A cos U2, मतलब हमको X1 और X2 मिल गए, ठीक। फिर हैंस अब G1 G2 निकालने चल रहे हैं। आपको बताए थे हम
कि जी वन वन का मतलब होता है एक्स वन डॉट एक्स वन, बताया था एक्स वन डॉट एक्स वन का मतलब एक्स वन का एक्स वन से डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है आई डॉट आई इज इक्वल टू वन, जे डॉट जे इज इक्वल टू वन, के डॉट के इज इक्वल टू वन। तो इसका इसी में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसी में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसी में मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों को जोड़ देंगे। ठीक, क्या मतलब हुआ? दिस इम्प्लाइज दैट जी वन वन इज इक्वल टू एक्स वन का मतलब है माइनस ए साइन यू वन इंटू कॉस यू टू, ए कॉस यू वन इंटू कॉस यू टू, जीरो का डॉट प्रोडक्ट इसी से ले रहे हैं, मतलब माइनस ए साइन यू वन कॉस यू टू कॉमा ए कॉस यू वन कॉस यू टू, और जीरो से डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो खुद का खुद से मल्टीप्लाई करते हैं, खुद का खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करने पे प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यू वन कॉस स्क्वायर यू टू। ठीक, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस लगा करके ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यू वन कॉस स्क्वायर यू टू, जीरो का जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे जीरो। दिस इम्प्लाइज जी वन वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यू टू कॉमन हो जाएगा, मिलेगा आपको साइन स्क्वायर यू वन प्लस कॉस स्क्वायर यू वन विच इज इक्वल टू वन। तो ये आपकी जी वन वन की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसके बाद है आपका एंड जी वन टू इज इक्वल टू एक्स वन डॉट एक्स टू। दिस इम्प्लाइज अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x1 का x2 में मल्टीप्लाई, i का i में, j का j में, k का k में मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें, तो माइनस माइनस मिल करके प्लस ए स्क्वायर साइन u1 cos u1 sin u2 cos u2, इज इट क्लियर? और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर साइन यू वन कॉस यू वन साइन यू टू कॉस यू टू, साथ में इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो में मल्टीप्लाई करते ही जीरो। ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म से कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब हो गया दिस इम्प्लाइज जी वन टू इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जी टू वन, सिमेट्रिक होता है। एंड जी टू टू का मतलब होता है एक्स टू डॉट एक्स टू, दिस इम्प्लाइज दैट जी टू टू एक्स टू का एक्स टू से डॉट प्रोडक्ट लेंगे, इसका इसी में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस मिल करके प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यू वन साइन स्क्वायर यू टू, प्लस इसका इसी में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस मिल करके प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यू वन साइन स्क्वायर यू टू, प्लस इसका इसी में मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यू टू। दिस इम्प्लाइज दैट जी टू टू इज इक्वल टू इन दोनों में से साइन स्क्वायर यू टू, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यू टू कॉमन होगा, कॉस स्क्वायर यू वन प्लस साइन स्क्वायर यू वन इज इक्वल टू वन, वो बचेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यू टू। अब इन दोनों टर्म्स में से आप ए स्क्वायर को बाहर करेंगे तो साइन स्क्वायर यू टू प्लस कॉस स्क्वायर यू टू विच इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो अब हमको इन सब की वैल्यू मिल गई, इन सब की मिलने का मतलब जी अल्फा बीटा मिल गया। ठीक है, उतारिए तो
एक काम करिएगा, इतना उतार के ही छोड़ दीजिएगा। सर आते ही होंगे 5-7 मिनट पे, उसके बाद कल बताएंगे। ठीक है, काजल उतार के कैमरा ऑफ कर दीजिए।